पत्रकार साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हम हिंदी दिवस मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हिंदी भाषा सर्वप्रथम हिंदी भाषा मनाया जाए, इसका जो प्रस्ताव है इसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन 1918 में यह प्रस्ताव रखा कि हम हिंदी दिवस के रूप में हिंदी भाषा को हिंदी दिवस के रूप में मनाए। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1949 में 14 सितंबर को, फिर यह कहा गया कि अब जैसे कि भाई ने बताया कि संविधान के भाग 17 के धारा 343 में यह उल्लेखित है कि हमारी संघ की जो भाषा है वो हिंदी भाषा होगी। दोस्तों, हिंदी भाषा क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। मोहब्बत की जो भाषा है वो हमारी हिंदी भाषा है। माँ का जो प्यार है वो हमारी हिंदी भाषा है। दादी का जो लोरी है ये हमारी हिंदी भाषा है। मित्रों, लेकिन आज वेस्टर्न कल्चर या पाश्चात्य संस्कृति इस कारण से हम अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं। भले ही हम दिखावे के लिए मॉम और डैड कहते हैं, लेकिन जब हमें चोट लगती है तो माँ और पिता जी की याद आती है। हम उस टाइम में मॉम और डैड नहीं कहते, ये याद रखना। हम भले दिखावे के लिए कह सकते हैं कि मॉम और डैड, लेकिन जब आपको चोट लगेगी तो माँ की याद आएगी और पिता जी, उस टाइम में हम मॉम नहीं बोलेंगे। ये हमारी हिंदी भाषा है। मित्रों, इससे बड़ा उदाहरण और क्या दे सकता हूँ कि हिंदी भाषा कितना महत्व है। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।